हेलो दोस्तों, मैं सीजी ब्लॉगर बिट्टू और आपको आज लेकर आ चुका हूँ एक ऐसी जगह जो कि यार मध्य प्रदेश के एक छोटे से जंगल पर है। सो यार, यह एक छोटा सा गुफा है जिसका नाम बाबा जी की कुटिया है। तो यार, यह जिला अनूपपुर बिजुरी के एक जंगल का गुफा है। तो चलिए चलते हैं और इस गुफा को देखेंगे और जानेंगे। व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाबा जी कुटिया। सो चलते हैं एंड देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा, तो चलते हैं। सो यार, अभी हम जा रहे हैं एंड मेरे साथ है निखिल, तो चलते हैं गाइस। ये देखिए, ये है लाल पहाड़, और यार ये देखिए, ये है महेंद्रगढ़ का पहाड़, और इधर साइड ये चिरमिरी वाला। तो यार ये निखिल। सो अभी चल रहे हैं एंड यार इसका एक वीडियो ही बनाना है हमको। तो यार जाकर इसके इंस्टाग्राम आईडी में आप देख सकते हैं, तो अभी बनाएंगे उसका वीडियो, उसके बाद चलेंगे आगे। सो आप देखते रहिए। तो गाइज, अभी अपना इसका इंस्टा रील्स बन चुका है। थोड़ा ही दूर बचा है, तो चलते हैं आगे। आपको मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूंगा। सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो हम ही दोनों बस जा रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो चलते हैं एंड मज़े करेंगे। सो गाइज, यार शाम ढलने वाली है और मुझे उस जगह को एक्सप्लोर करना है, आप लोगों को दिखाना है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं एंड एक्सप्लोर करूँगा मैं उस जगह को, आज चाहे रात हो जाए। सो यार ठंडी भी लगने लगी है इधर, आप देख सकते हैं। पूरा जंगली इलाका है, ये पूरा जंगल ही जंगल है, और मैं और निखिल बस आए हैं। तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली गाइस, हम पहुंचने ही वाले हैं और अभी आपको मैं दिखाऊंगा। सो बहुत मज़ा आने वाला है। और सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सुंदर नज़ारा है, एंड इधर उधर आप कहीं भी यहाँ मतलब फ़ोटो शूट में भी आ सकते हैं। फ़ोटो शूट में यहाँ बहुत लोग आते भी हैं। सो यार काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए निखिल कैसे कर। सो आप देख सकते हैं कैसे पागल टाइप हरकत कर रहा है। सो चलते हैं। यहाँ पहुंच चुके हैं एंड ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा जो पेड़ है उसके नीचे ही है बाबा जी कुटिया। और ये देखिए पीछे में आंटी लोग आए थे। तो यार यहाँ वैसे आदमी आते जाते रहते हैं, तो कोई डर नहीं है, बट थोड़ा जब शाम ढल जाता है तब यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार भालू आलू आते रहते हैं इधर, जंगली एरिया है। तो सो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं। सो गाइस देखिए, जैसा कि हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इधर कोई भी नहीं रहता। तो यार पहले चप्पल वप्पल निकाल लेते हैं एंड देखिए, ये शंकर जी का शिवलिंग छोटा सा, मतलब बड़ा सा है। तो यार एक गुफा ये है और एक गुफा ये है। तो अभी इन दोनों गुफा को मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडक भी मिलती है एंड यार ये देखिए, यहाँ पिकनिक विकनिक मनाने आते हैं, तो ये पानी वानी पीते हैं यहाँ से। अभी बहुत गंदा हो चुका है। सो चलते हैं एंड पहले मैं इधर का आपको दिखाता हूँ। यार चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो यार बहुत झुकना पड़ रहा है यहाँ, तो आपको दिख रहा है कि नहीं। यार ये माता का, कोई माता का मतलब ये गुफा है। तो आप देखिए, अच्छा है। और यार यहाँ बहुत ठंडी है, तो निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं पहले तो। और यार इधर अब
ये सेकंड वाली गुफा पे चलते हैं। हमारा भी अभी मतलब यार मैंने थोड़ा अच्छे से मतलब इधर उधर सब चीज़ बिखरा हुआ है। अगर अपन महाशिवरात्रि में जैसे आते हैं तो ये सब अच्छा से रहता है। ये देखिए शंकर बजरंग बली, और ये देखिए पूरी दीवार में करी कारीगरी करी गई थी, पर अभी तो पेंट हो गया तो दिख नहीं रहा, तो अभी अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ शंकर जी हैं, ये भोलेनाथ, और यार अभी ये अंदर में शायद और है पर यहाँ नहीं जा सकते। और ये देखिए ये है बाबा जी कुटिया का, ये शंकर जी हैं, और मैं अभी अंदर पे ही हूँ। इधर देख सकते हैं अभी यहाँ पूजा उजा भी नहीं हो रहा, तो महाशिवरात्रि टाइम में अगर आप आएंगे तो यहाँ पूजा उजा होता है। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, सो निकलना चाहिए अपने को। सो ये देखिए यहाँ झुक झुक के बहुत चलना पड़ रहा। अभी मैं अंदर से बाहर आ चुका हूँ एंड मुझे डर लग रहा था अंदर, क्योंकि यार यहाँ बोलते हैं अंदर पे सांप वाप भी रहता है। सो, पहले मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। अभी शाम ऐसे हो रही है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। सो गाइज ये देखिए, ये बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देखिए। और यह आपको बता दूं, जब हम यहाँ पिकनिक आते थे तो ये देखिए यहाँ से पानी वानी यहाँ धो बर्तन वर्तन धोते थे, और ये जो यहाँ पास एक और गड्ढा है तो यार इसमें से हम पानी निकाल के खाना वाना बनाते थे। तो अभी आगे चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या हम करते थे एंड क्या नहीं करते थे। अभी हम आ चुके हैं शंकर माड़ा के ऊपर एंड ये देखिए ये पीछे में है शंकर माड़ा, एंड अभी अपन जाएंगे घर। ये देखिए निखिल जा रहा है। सो, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ नीचे में और रास्ता है इस टाइप का, तो यहाँ अपन इधर खाना बनाते थे और यहाँ बैठ के आराम से खाते थे और यहाँ यार मस्ती वस्ती करते थे। सो देखिए यहाँ काफ़ी सुंदर नज़ारा है पूरा, इधर बड़े बड़े पहाड़ हैं, और यार इधर के अभी पहाड़ अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं। और यार यहाँ शाम को मतलब थोड़ा और शाम हो जाएगा तो इधर भालू वालू आते रहते हैं, तो इससे पहले भालुओं के आने से पहले अपन चलते हैं घर। तो आप अभी देखिए यहाँ पूरा पानी वगैरह रहता है, अभी पानी पूरा सूख चुका है एंड बरसात टाइम में फिर से पानी भर जाएगा इधर। सो चलते हैं। ये देखिए यहाँ फ़ोटो वोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, सो आप आ सकते हैं। सो यार वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यार बोलो क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, और मैं इस तरह का अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। एंड चलते हैं घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।